तस्वीरें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हैं, जहां कुलपति कार्यालय पर रिजल्ट नहीं मिलने से खफा छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। पानीपत से आए मोनू का कहना है कि उनका साल बर्बाद हो गया है मगर रिजल्ट नहीं निकला है। वहीं हिसार के अक्षय कहते हैं वो अपनी फीस स्लिप भी दिखा चुके हैं लेकिन कोवी स्टाफ जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उधर हिसार से आई छात्रा नेहा का कहना है कि 4 साल हो गए, तारीख पर तारीख मिल रही है, दोबारा फीस भरने को भी तैयार हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। मैंने ना पानीपत दिसंबर 2020 का फॉर्म भरता, 20 से फर्स्ट सेम का एग्जाम मार्च में होता और रिजल्ट सितंबर में आया। सर रिजल्ट में ना RLD आया मेरा, तो फिर मैंने एग्जाम ब्रांच में दिखाया, सर वो बोले थे फीस की स्लिप दिखाओ, तो बुक सेलर ने स्लिप देनी थी, तो मैंने कहा सर फीस की स्लिप तो नहीं, उन्होंने भेज दे वापिस। तो फिर 4-5 बार आए सर, गुमराह कर दिया, कोई रास्ता नहीं दिया। तो फिर ऐसे ही जान पहचानो स्टूडेंट से, तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड चेक करवाया सर, वहाँ पे फीस जमा नहीं हो रही थी। तो फिर 5 बार ज्ञापन भी दे लिया सर संगठन ने मेरी खुद, तो रजिस्ट्रार सर ने बोला कि सोल्यूशन बहुत ही जल्द हो जाएगा, तो सर फिर नहीं हुआ। 24 जनवरी को फिर विज्ञापन दिया सर, फिर एग्जाम कंट्रोलर से बात हुई, बोल रहे थे इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, बहुत ही जल्द सोल्यूशन हो जाएगा। 5-6 महीने हो गए सर, दूर दूर से बच्चे आते हैं, 1 साल खराब हो गया पूरा सर। हम ये कहते हैं सर हमारी फीस का रिकॉर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी में, फीस भरने के लिए तैयार है लेकिन हमारा रिजल्ट दो सर, अगर फीस दे रहे हम सर, रिजल्ट भी नहीं दे रहे, बताओ सर। अगर ये यूनिवर्सिटी कह रही है आपकी फीस देगा, तो आपने एग्जाम भी दिया, एडमिट कार्ड भी आपका है, तो वो एडमिट कार्ड भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया था। अगर यूनिवर्सिटी को पता था कि आपकी फीस फेक है, फीस नहीं आई सर, फेस पर आपका एडमिट कार्ड देगा ये यूनिवर्सिटी प्रशासन। हमने सर पूछा था सर यही बात कि रोल नंबर कैसी थी बिना फीस वेरिफिकेशन के, तो सर यूनिवर्सिटी ने ना अखबार में प्रिंट करवा दिया कि भाई जो रोल नंबर इशू हुए था ना वो बिना फीस वेरिफिकेशन के हुए थे और फीस वेरिफिकेशन एग्जाम के बाद ही की गई जब रिजल्ट बनाया गया था। अपनी सर अपना सबसे बड़ी चूक मानते सर, देखो इसमें एक की गलती तो है नहीं, सबकी गलती है सर, कुछ ना कुछ एक बंदा तो इतना बड़ा फ्रॉड काम कर नहीं सकता। मैं मानता हूँ चलो एक बुक सेलर फ्रॉड कर लेगा, हर जिले के बुक सेलर है सर, इसका मतलब तो एक बहुत बड़ा गिरोह है सर ये, और इसका पर्दाफाश करना जरूरी है सर। अगर कोई बंदा फीस एक गड़बड़ी करता है सर, ये तो मैं देख रहा हूँ कोई पानीपत हिसार अम्बाला दूर दूर से है, सभी के सभी बुक सेलरों का सर यही काम है, तो गिरोह है सर बहुत बड़ा, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया और सुने कि आपके पास तो स्लिप भी है जो आपने रसीद कटवाई थी? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास एक, मेरे 2 सेम में RLD है, मेरे पास 1 सेम की रसीद भी है, जैसे 1st सेम में RLD है उसकी रसीद नहीं, लेकिन 4th सेम की मेरे पास रसीद भी है। मैं वो लेके यहाँ पे आया, मैंने उनको दिखाया कि मेरा ये केस है, मेरी RLD दी हुई है और इसका समाधान होना चाहिए। तो शुरू में उन्होंने बोला कि फीस स्लिप लेके आओ, फिर मैं फीस स्लिप लेके गया उनके पास, फीस स्लिप को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो स्लिप ओरिजिनल नहीं है। फिर मैंने जो वेरिफिकेशन हुई थी फॉर्म की, वो वेरिफिकेशन पे स्टैंप और सिग्नेचर दिखाए, वो कॉपी मेरे पास फ़ोन में थी, उसका इमेज जो फॉर्म जमा करवाया था वो दिखाया, फिर उन्होंने चेक किया, बोला कि साइन और स्टैंप तो मेरे ही हैं। फिर उन्होंने कुछ देर रिकॉर्ड चेक करके ऐसे ही बहलाने के लिए बोला कि आपका तो FNR है, आपका फॉर्म रिसीव नहीं हुआ यहाँ पे। तो मैंने कहा सर इसका सॉल्यूशन क्या है FNR का, तो वो बोले आप एग्ज़ाम ब्रांच में जाओ और वहाँ फॉर्म मिलेगा। एग्ज़ाम ब्रांच में जाते हैं तो वो उसका नाम ले लेता है, वो उसका इधर उधर चक्कर कटा रहे हैं, मतलब FNR का बहाना बना रखा है। अब ये फॉर्म रखना तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, इसमें स्टूडेंट का क्या रोल है, तो उस सेम का भी मेरा जो है सॉल्यूशन नहीं किया यूनिवर्सिटी। आपका स्लिप है वो? हाँ जी सर अभी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। तो जब आपको स्लिप भी दी गई, आपके पास स्लिप भी और उसके बाद भी आपका रिजल्ट भी आया, आप डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने आपका रोल नंबर कैसे इशू किया जब उन्होंने बताया कि रोल नंबर भी इशू हुआ है सर, और पेपर भी दिए हैं, उसके बाद अवार्ड भी मिल चुके हैं कॉलेज से, ये स्लिप भी है, और जो फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ था उसकी भी फ़ोटो मेरे पास है सर, मैंने सब दिखा ली, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी गुमराह कर रही है, सॉल्यूशन कर नहीं रही है। वो यहाँ से फीस ब्रांच से एग्ज़ाम ब्रांच में भेज रहे हैं, एग्ज़ाम ब्रांच से फीस ब्रांच में भेज रहे हैं, इधर उधर चक्कर कटा रहे हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे। अब कुछ नहीं कहते, फीस नहीं दे रहे कि, पर हर बार हम आते हैं एप्लीकेशन देते हैं कि हमें टाइम दे देते हैं, इतने 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना, हमारे 6 महीने इन्होंने वेस्ट कर दिया, हमें आगे भी तो एडमिशन लेना है। तो ये कह रहे कि आपने फीस नहीं दी इसलिए रिजल्ट में लेट हो रहा है, तो क्या आपके पास उसकी स्लिप है? फीस हमने दे रखी थी बुक सेलर को, अब वो कह रहे हैं, वो कह रहे यहाँ जमा नहीं हुई, अब हम तो देने के लिए तैयार हैं फीस, तो अभी मान तो नहीं रहे। तो अब आप जैसे प्रदर्शन में बैठे थे, तो लास्ट डिसीजन उन्होंने क्या कहा कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी? अब कह रहे हैं बातचीत चल रही है, अब देखो क्या करते हैं, हम तो यहीं बैठे, हम भी बिना सोल्यूशन के नहीं जाएंगे। हिसार से नेहा। और किस क्लास कर देता है? BSc 1st सेम का। कौन से सेशन, क्या सेशन था, कब से इस रिजल्ट का? 2016-17।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर अनिल वरिष्ठ ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों की जो RPFD और RLD से संबंधित जो इशू था उस पे यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑलरेडी निर्णय ले चुका है और इस बारे में जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को जिनकी फीस जमा नहीं हुई थी उनको और जिनका RPFD और RLD फीस की वजह से रिजल्ट ड्यू था डिक्लेयर नहीं हुआ था उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा फीस जमा करने का, क्योंकि वो फीस यूनिवर्सिटी के पास नहीं आई थी तो विद्यार्थियों को इसके लिए एक मौका दिया जा रहा है। और दूसरे जो केसेस थे जिनमें रिजल्ट अवार्ड्स की वजह से हैं उसमें कुलपति जी ने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस को कहा है कि जल्दी से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और कितने अवार्ड्स पेंडिंग हैं उसके उनके संज्ञान में लेके आएँ, उसका समाधान भी जल्दी से कर रहे हैं। बच्चों का ये कहना है जैसे उन्होंने बुक सेलर पर फीस जमा की थी कुछ स्लिप्स वगैरह का, यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर भी इशू कर दिए, उस मामले में क्या? वही बता रहा हूँ, वो सब RPFD के हैं। अब कोई भी आदमी कहाँ फीस जमा करता है अपनी मर्जी से, विश्वविद्यालय प्रशासन उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। विश्वविद्यालय में फीस अगर वो आई है और विद्यार्थी उसकी रसीद अगर दिखाता है उससे कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अपने आप कहीं बुक सेलर पर करता है या किसी भी थर्ड पार्टी पर फीस जमा करता है उसके लिए उत्तरदायी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि विद्यार्थियों को किसी कारण से या किसी वजह से उनको ठगा गया है तो विश्वविद्यालय ने छात्र हितों में देखते हुए उनको फीस जमा कराने का एक मौका दिया जा रहा है। छात्रों की समस्या को लेकर डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर अधिकारी अनिल वरिष्ठ ने बताया छात्रों की फीस विश्वविद्यालय में जमा नहीं की गई है, जिसके चलते विद्यार्थियों को ये समस्या आ रही है। जल्द ही बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, इसके लिए विश्वविद्यालय नोटिस जारी कर बच्चों को फीस भरने का मौका देगा ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर न पड़े। साथ ही बच्चों से जो बुक सेलर ने फीस ली है छात्रों ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास ऐसी रसीद है जिसमें बच्चों ने दिखाया है कि उन्होंने अपने जरिए विश्वविद्यालय को अपनी फीस जमा करवाई है। बुकसेलर के मामले में अब इन विद्यार्थियों की सुनवाई सरकार करती है या जिला प्रशासन, यह आने वाला वक्त बताएगा। कुरुक्षेत्र से विनोद, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।